हेलो फ्रेंड, मेरा नाम ताहिर। दोस्तों, MIUI 14 की सबसे बड़ी गलती आपको बताऊंगा। ये जो अपडेट आई थी MIUI 14 की, इस अपडेट की सबसे बड़ी गलती क्या है दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को इस अपडेट के बारे में बताऊंगा। उससे पहले चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं MIUI 14 की अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लें, मेरे पास जो डिवाइस है Redmi Note 10s है, इसके अंदर दोस्तों MIUI 13 चल रहा है। जो मेरे पास लास्ट अपडेट थी MIUI 13 की, वो 13.0 की थी, सही है, यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद MIUI 14 लॉन्च हो गई थी कि मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है, आप देख लें। अब ये अपडेट दोस्तों कितने GB का है और ये कितनी स्टोरेज लेता है फोन की, इसके बारे में बात करेंगे। और यही सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है आप लोगों के फोन के अंदर कि MIUI 14 को आप अपडेट को डाउनलोड नहीं कर सकते। अब दोस्तों डाउनलोड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो फोन होते हैं वो 6 GB के होते हैं या 4 GB के होते हैं। तो ये अपडेट मिला के ये अपडेट है 3.4 GB की। अब ये आप जब अपडेट करते हैं तो आप लोगों को फोन को बिल्कुल ऐसा रखना है कि फोन के अंदर 2 से 3 चीजें हो या 2 से 3 ऐप हो, तो जब जाके आप ये अपडेट कर सकते हैं, वरना फोन को आप बिल्कुल भी अपडेट नहीं कर सकते। अब दोस्तों मैं भी अपने फोन की बहुत सारी चीजें डिलीट करूंगा, फिर ये अपडेट करूंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा इस अपडेट में कौन कौन से फीचर दिए गए। और देखने में दोस्तों ये अपडेट आप लोगों को छोटी लगती है, लेकिन जब आप ये अपडेट करेंगे यहाँ से, तो इस अपडेट को आपको तकरीबन 1 या 2 आवर्स लग जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस वाली अपडेट को। सबसे बड़ा मसला यही था कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को अपने फोन की जो चीजें हैं वो डिलीट करनी है, उसके बाद ये अपडेट करना है जब आपका फोन यहाँ पर अपडेट हुआ। और दूसरी चीज ये, इस अपडेट में क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ आप देख लें, इस अपडेट में आप लोगों को सिस्टम सिक्योरिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और एंड्रॉयड 12 आपका वर्जन होता है तो एंड्रॉयड 13 हो जाता है, और फोन बिल्कुल स्मूथ हो जाता है दोस्तों। बहुत सारी आपको न्यू फीचर भी मिलते हैं इसको, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे दोस्तों कि आप लोगों के पास अपडेट भी नहीं आ रही, सही है। तो अपडेट आप लोगों के पास रुक रुक के आएगी, क्योंकि एकदम सब डिवाइसेस में ये अपडेट नहीं आती। जैसे आज यहाँ पर मतलब कुछ फोन्स में देखने को मिली है, तो कल कुछ फोन्स में देखने को मिलेगी, इस तरीके से ये अपडेट आती है। अब दोस्तों ये थी वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेगा। और ये सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम थी MIUI 14 की। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक खुदा हाफिज़।